हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम बनाएंगे बहुत ही इजी और बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी। इसे आप ब्रेकफास्ट में बनाएं, लंच बॉक्स में बनाएं या फिर इवनिंग स्नैक्स में, बहुत ही बढ़िया रेसिपी है ये। 5 मिनट के अंदर आप इसे बना के तैयार कर सकते हैं। साथ में आप इसके दही चटनी कुछ भी बनाएं, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही हेल्दी। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है मक्के का आटा 1 कटोरी। इसे छान लेंगे। अगर आपने पहले से छान के लिया हुआ है तो फिर छानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आटा मैंने छान लिया है। अब इसमें डालेंगे मसाले, जैसे कि हल्दी 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून डालेंगे गरम मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, और फिर इसमें हम डालेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे 2 टीस्पून नमक मैं ऐड कर रही हूँ इसमें, और फिर थोड़ी सी अजवाइन भी डाल देंगे क्रश करके। और अब इसमें हम कुछ सब्जियाँ ऐड करेंगे, जो भी घर में अवेलेबल है उन्हें आप बारीक कट कर लें या चॉप कर लें, जैसे मर्जी कर लें। फिर आप इन्हें इस तरीके से सब्जियाँ ऐड कर दें। मैंने थोड़ी सी मटर डाली है, थोड़ी सी शिमला मिर्च और थोड़े से टमाटर डाल दिए हैं कट करके। 1 गाजर ग्रेट कर दी है, 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कट करके डाल दी है, और हरा धनिया डाल दिया है। और अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून दही, और फिर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे इसमें, और इस सबको मिक्स करेंगे। चाहे तो आप हाथ से मिक्स कर सकते हैं, चाहे आप किसी चम्मच से, या फिर जैसे मर्जी मिक्स करें। अच्छे से सारी सब्जियाँ और सारी चीज़ें मिक्स हो जानी चाहिए, ये ध्यान रहे। और ये सब अच्छे से मिक्स हो गया है लगभग, देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। उसके बाद इसमें ऐड कर देने हैं आलू। ये 2 कच्चे आलू ले लिए हैं जिन्हें मैंने ग्रेट कर लिया है। आलूओं को ग्रेट करें तो पानी में ग्रेट करें, नहीं तो काले हो जाते हैं। तो अच्छे से आलू मिक्स करके फिर इसे हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तब तक यहाँ पर हम बना लेंगे चटनी। तो टमाटर ले लिए हैं 2 मीडियम साइज के, हरी पत्तियाँ ले ली हैं यानी हरा धनिया ले लिया है, 3 से 4 हरी मिर्च मैं डाल दूंगी इसमें अपने हिसाब से। मिर्च कम ज़्यादा डाल सकते हैं, थोड़ा सा डाल देंगे इसमें काली मिर्च का पाउडर। और फिर इसमें डालेंगे हम नमक टेस्ट के हिसाब से, और फिर इसे हम पीस लेंगे। तो हमारी बहुत ही बढ़िया चटनी तैयार हो गई है। और अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से हाथ पे शेप देंगे। अब आप चाहे कम ऑयल में बनाएं, चाहे ज़्यादा ऑयल में बनाएं, मर्जी आपकी है। चलिए इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए ऑयल को अच्छे से गर्म कर लें, और फिर फ्लेम को मीडियम पे सेट कर लें, और अच्छे से एक एक करके इसमें डाल दें। फिर इन्हें थोड़ी देर के लिए टच नहीं करना है। जब ये हल्के से ऊपर आ जाएंगे तब हम इन्हें टच करेंगे, दोनों तरफ से उलट पलट कर आपको इन्हें गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं रेसिपी कैसी लगी है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन ऑन कर लें ताकि नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियोस देख पाएं। मेरे चैनल पर एक नई रेसिपी डेली आती है। कोशिश करती हूँ रेसिपी अच्छी हो, ईजी हो, इन्ग्रीडियंट्स घर में अवेलेबल हों, और साथ ही साथ हेल्दी हो, बच्चों के, बड़ों के लिए, सबके लिए। तो उलट पलट के गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। अब अगर आप ऑयली नहीं खाना चाहते हैं तो बिल्कुल बिना ऑयल के भी इसे बना सकते हैं। एक तवा लेना है, तवे पे थोड़ा सा ऑयल डालना है, पूरे में स्प्रेड कर देना है, फिर इस पर एक एक करके आपको पीसेस रख देने हैं। यानी कि जैसे हाथ पे आप इस तरीके से टिक्की की शेप बना के और इस पर रख दें। तवे को अच्छे से गर्म कर लेना है, तभी इस पर ऑयल लगाना है, और तभी इस पर एक एक करके ये जो है आपको पीसेस रखने हैं। तो मीडियम फ्लेम पर आप इन्हें उलट पलट के दोनों तरफ से फ्राई कर लें, यानी कि हल्का सेक लें, हल्का ऑयल लगाएं और इन्हें सेकें। तो दोनों तरीके से जैसे आपको पसंद आए उस तरीके से आप ये रेसिपी बना के तैयार कर सकते हैं, हेल्दी और टेस्टी। तो चलिए सर्व करते हैं। तो बहुत ही बढ़िया हमारे दोनों तरीके की ये रेसिपी बन के तैयार हो चुकी है, और बहुत ही सॉफ्ट है ये, और वो बहुत ही क्रिस्पी, दोनों तरीके की रेसिपी बन चुकी है। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे।